हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगजीत। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी वाइट। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीआरटी मॉनिटर्स के बारे में बताया था, जो उसकी इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आज मैं आपको बताने लगा कि प्लाज्मा पैनल क्या होता है। नॉर्मली आप बाजार में देखते होगे, मार्केट में देखते होगे कि बड़ी आपको जो स्क्रीन मिल रही है वो बड़ी स्लिम सी है। मतलब जो पहले सीआरटी मॉनिटर्स थे वो काफ़ी जगह मतलब स्पेस कंज्यूम करते थे, बट इस बार आप देख रहे हो कि काफ़ी कम स्पेस कंज्यूम हो रही है, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी स्लीक है। तो उसकी मतलब जो क्लैरिटी वगैरह वाइज देखें तो काफ़ी अच्छी है उससे। तो मैं आज आपको बताने लगा कि प्लाज्मा पैनल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा पैनल एक ऐसी एक स्टेट को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को चार्ज करते हैं। जो पीछे से आपको जो उसके पावर मिल रही है वो पार्टिकल्स चार्ज होके और आपको डिस्प्ले वहाँ पे शो होती है, जो आपको पिक्चर आप स्क्रीन पे देखते हो। इसको गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसको मतलब इसमें दो प्लेट्स होती हैं, दो मिरर टाइप एक ग्लास प्लेट्स लगी होती हैं। उसके टू सील्ड एजिस होते हैं, और मेरे पीछे आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने उसकी क्रिएट करी हुई है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे आप देख सकते हो, एक इस ये एक ग्लास प्लेट है, ये सेकंड ग्लास प्लेट है, और इसके टू सील्ड एजिस बने हुए हैं आपके। एंड इसमें एक वर्टिकली कंडक्टर लगा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर लगा हुआ है। और आपको एक बात बताता हूँ, जब ये दो ग्लास प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं तो इसमें जो इसका ये जो कहते हैं मिक्सचर होता है, वो गैसेस का मिक्सचर होता है। तो इससे वो गैस का मिक्सचर को कंबाइन होके वो आगे सील्ड एक बन जाती है, जिसमें वो इलेक्ट्रिकली आपको जिस कंडक्टर लगे हुए हैं, इस कंडक्टर को जब वो इलेक्ट्रिकली आप इसे पावर मिलती है, तो उस पावर मिलने से जो आपकी जो डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे शो होनी है वो एक ब्राइट तौर पे आपको शो होगी। बिकॉज अगर आपकी वोल्टेज इस कंडक्टर को बहुत अच्छी मिल रही है, तभी उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी आपको पीछे से उसको वोल्टेज मिल रही है। तो उस वोल्टेज को एक्चुअली फायरिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, जिससे वो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा इंक्रीज होगी जितनी उसकी वोल्टेज उसको पीछे से उसके कंडक्टर को मिल रही है। तो आपको मैं बताता हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फायरिंग वोल्टेज से जब आप उसको वोल्टेज को आपके कंडक्टर को ज़्यादा पावर मिलती है, तो वो आपकी ब्राइट डिस्प्ले आपको शो करता है जितनी उसको वोल्टेज पीछे से मिल रही है। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आपको वोल्टेज कम मिल रही है तो आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी। तो इस पे डिपेंड करता है आपकी वोल्टेज के ऊपर। अभी मैं बताता हूँ कि जैसे गैस, जैसे इसकी है गैस, मैंने आपको शुरू में बोला था गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले बोलते हैं इसको। अगर आपको जब ये जो इसमें गैस फिल करी हुई है मैंने, जो फिल्ड विद गैसेज है, अगर इसमें गैस आयोनाइज्ड हो रही है, तब भी गैस जब आयोनाइज्ड होगी तो वो जो स्पॉट होगा वो आपके पिक्सल का, वही तभी ही ब्लिंक करेगा, मतलब तभी ही ग्लो होगा जब उसके जो गैस हो रही है वो आयोनाइज्ड होगी। बिकॉज जो आपको पीछे से करंट मिल रहा है उसकी कंडक्टर को, तो वो उसी करंट के वोल्टेज के हीट से ही वो गैस जो होगी आयोनाइज्ड होगी। तो गैस जब आयोनाइज्ड होगी वो तभी उस पिक जो आपकी ग्लास प्लेट्स हैं इस पे जो पिक्सल होगी वो उस पिक्सल को ही वो ब्राइट करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे आप देख सकते हो कि इसमें एक और चीज़ है। जैसे अब जो आपकी जो स्क्रीन है उसमें जो पिक्सल्स लगे होते हैं या थोड़ी डिफरेंस पे लगे होते हैं, बिकॉज इस वजह से ही आपको इसकी थोड़ी क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलती है। तो जो सीआरटी वगैरह थे उसमें तो पिक्सल बड़े मतलब उसका जो डिस्टेंस होता है एक से दूसरे पिक्सल का, वो थोड़ा कम होता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आपकी जो क्लैरिटी होगी वो इससे इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी सीआरटी के कंपेयरली। तो ये काफ़ी अच्छे भी हैं, मतलब इसमें थोड़ी सी वोल्टेज आपकी थोड़ी कम कंज्यूम होती है उसके अकॉर्डिंगली। सीआरटी में आप वो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते थे बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन बीम थी वगैरह, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सेंड होते स्ट्राइक करते थे स्क्रीन पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते थे। इसमें थोड़ी कम है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज जो इसकी अब गैस डिस्चार्ज है डिस्प्ले है, तो उसमें जो गैस है वो जल्दी हो सकता है कि अगर थोड़ी सी आप कहाँ कह सकते हो, अगर आपकी जो स्क्रीन है वो गलती से आपके हाथ से थोड़ी सी लग जाए कहीं पे, तो उसकी जो गैस होती है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब लीक हो सकती है कहीं जगह से। तो ये काफ़ी थोड़ा इसको केयरफुली रखना पड़ेगा, तो कह सकते हैं इसका एक लिमिट भी है, बिकॉज इसको थोड़ा केयरफुली लगाना पड़ता है। तो इसमें यही बोलूंगा कि ये थोड़ी अच्छी है सीआरटी कंपेयर, बट उससे थोड़ा सा कह सकते कि ये एक्सपेंसिव भी पड़ती है आपको सीआरटी कंपेयर। वो सीआरटी थोड़ा आपको नॉर्मल मीटर काफ़ी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, 4 4 हज़ार, 5 6 हज़ार, 6 हज़ार। तो ये थोड़ा कंपेयर उसके उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको।
तो दोस्तों आई थिंक आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, बिकॉज अगर मैं जब भी और न्यू वीडियोस डालता रहता हूँ ऐसी वाली, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।